नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ऐसे वीर की कहानी जिसे हमने अक्सर सुना तो होगा लेकिन कभी उसके बारे में ठीक से हिस्ट्री नहीं जानी होगी। भारत की हिस्ट्री में अक्सर कई सारे ऐसे महावीर और महाज्ञानियों ने जन्म लिया है जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों में दबके रह गए हैं। इन्हीं में से एक ऐसे भी थे जिन्होंने ना केवल हमें अडंबर और इस तरह की कुछ अंधविश्वासी बातों से बाहर निकाला, बल्कि हमें हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित भी किया। हमारी धरती पे बहुत सारे ऐसे वीर गाथाओं की कहानियां हमने अक्सर सुनी है, लेकिन एक ऐसे वीर की कहानी जिसने बिल्कुल उल्टी धारा पे अपना कदम चलाए और उस पे वे कामयाब भी रहे। जी हाँ, हमेशा धर्म को लेके चलने वाले ज्ञानी और धर्म की बात करने वाले ध्यानी निष्ठा वीर ऐसे लोग तो हमने बहुत देखे, लेकिन उसी धर्म को छोड़ के उसके खिलाफ चलने वाले लोग हमारे देश में बहुत कम हैं। जैसे कि बाबा भीमराव अंबेडकर, उनकी बातें और उनकी यादें हमेशा हमारे दिमाग में रहती हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया उससे भी हम काफी प्रेरित होते हैं। उन्होंने हर दबके के लिए ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आज मैं आपको बाबा साहब की नहीं इन्हीं से प्रेरित एक और वीर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिनका नाम इरोड वेंकट नायकार रामास्वामी है, जिन्हें आप पेरियार के नाम से भी जानते हैं। पेरियार नाम से कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, ये पेरियार तो किस किस्म के व्यक्ति थे और इनकी कई जगहों पे बातें भी सामने आई है। पेरियार का जन्म 17 सितंबर में हुआ था। वह एक पारंपरिक हिंदू समाज में जन्मे थे। उनका जो परिवार था बहुत ही हिंदू प्रथा के अनुसार चलता था, लेकिन पेरियार का दिमाग हमेशा से सबसे अलग हटके सोचने वालों में से था। वो बच्चे तो थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक ऐसी गाथा बनी रहती थी जिससे वो ना केवल अपने आप को बल्कि दुनिया को अलग नजरिए से देखते थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल में दाखिला तो लिया, लेकिन साथ ही उनके पिता उन्हें घर में हिंदू धर्म का ज्ञान भी देते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके पिता उनको हिंदू धर्म का ज्ञान देते थे, वैसे ही वैसे पेरियार के मन में एक सवालों का जो पहाड़ बनता था, जिसे ना केवल उनके पिता बल्कि उनकी माता तक हैरान रह जाती थी कि इनके दिमाग में इस तरह के सवाल आते कहां से हैं। वे जितना ज्यादा हिंदू धर्म को गहरे से अध्ययन करते थे, उनके दिमाग में सैलाब बढ़ता चला जाता था और उनके सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाता था, जिसके लिए उन्हें काफी मार भी पड़ती थी कि हमारे सिखाए गए रास्ते पे चलने की बजाय ये इस तरह के बातों में कैसे उमड़ते चले जा रहे हैं। उनका बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, खेल कूद करना, इन सब से अलग कर दिया गया। उनके पिता को डर था कहीं ये हिंदू समाज को छोड़ के ना चला जाए, लेकिन जो होना होता है वो होकर ही रहता है। पेरियार के मन में एक शंका जागी कि उन्हें जो हिंदू धर्म में चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वो धर्म बनाया किसने है, ये भगवान देवी देवता ये सब कहां से आए गए। उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में हमेशा वे रहते थे, लेकिन उनके सवालों के जवाब जब कोई नहीं दे पाता तो उन्होंने हिंदू धर्म में चलने व उनकी परंपराओं को मानने से साफ मना कर दिया, जिसके लिए उनके पिता के द्वारा उन्हें काफी मार भी पड़ी। साथ में उन्हें सबसे अलग माना जाता था और उन्हें एक तरह का पागल कह देते थे कि भाई ये तो पागल है और इससे कोई बात मत करो। वे काफी अकेले भी रहते थे, लेकिन वो काफी ध्यानचंद भी थे। वे हर बातों को ध्यान से अध्ययन करते थे, वह सभी को एक समान मानते थे। उन्होंने एक बार 1904 में एक ब्राह्मणवाद के लड़के को गिरफ्तार करवाने में न्यायालय की मदद करी थी, जिसके कारण उनके पिता ने उन्हें सरे बाजार मारा और साथ ही घर से भी निकाल दिया था। ऐसी हालत में पेरियार भी काफी परेशान हो गए थे कि वो जाएं कहां, इसलिए वो तीरथ चले गए। वहां पे उन्हें लगा कि उनका हिंदू धर्म जो है वो शायद उन्हें थोड़ी सहारा दे देगा वहां पे जाके, क्योंकि वहां पे कई जगहों पे पंडितों को भोज करवाया जाता था ब्राह्मणों को। तो उन्होंने सोचा कि चलो वहां जाके थोड़ी देर अपने पेट को ही भूख को शांत किया जाए, लेकिन जब वो वहां गए तो उन्हें पता चला कि अरे यहां तो ब्राह्मण आ सकते हैं और दूसरी जाति वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, चाहे वो भूखे ही मर जाए। इस घटना के बाद तो पेरियार ने बिल्कुल ही अपने मन में ठान लिया कि वो इस तरह से हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लोगों के लिए अलग रूल है, दूसरे लोगों के लिए अलग नियम है। इस तरह से लोगों को अलग अलग विभागों में बांटा गया है और इस तरह से लोगों को नीचे दबके का बना के रखा गया है। इससे ना केवल उनके दिल को बल्कि दिमाग में भी एक असर पड़ा कि हम जो कर रहे हैं हमें खुद ही
नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। आज भी उनकी कई जगहों पे मूर्तियां हटा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंसा का कारण बन जाती हैं। पेरियार की मूर्ति में हमेशा एक चीज लिखी रहती है कि भगवान कौन है, उसे किसने जन्म दिया। भगवान से रिलेटेड इस तरह के सवाल जिनका जवाब आज तक ना मिला हो, वैसे सवालों से कई जगहों पे हिंसा कारण के कारण पेरियार की मूर्तियों को वहां से हटा दिया गया। लेकिन पेरियार की जो बातें थी भगवान को लेके, वो हमारे दिल में आज भी सवाल कर देती हैं कि भगवान है या नहीं है, हमें जन्म देने वाला कौन है। हमें तो चलिए भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान को जन्म देने वाला कौन है। इस बारे में जरूर सोचते रहने से हमारे दिमाग भी खुलते हैं, हमारे दिमाग के पट भी खुलते हैं। पेरियार ने एक बात कही थी कि मैंने तो कई देवी देवताओं को ऐसे जला दिया, उनकी मूर्तियों को जला दिया, लेकिन फिर भी मुझ पे इतनी कृपा है कि लोग जो उन्हें मानते थे वो उनकी मूर्तियां जलने के बाद भी मेरी बातें सुनने के लिए यहाँ तक आते हैं। तो ये भगवान की कोई साजिश है या मेरी बातों में उन्हें कोई सच्चाई नजर आती है। पेरियार की इन्हीं बातों से रिलेटेड, इन्हीं कुछ सच्चाइयों का सामना कराने की वजह से वह आज भी केरल में काफी फेमस हैंगे। वह तमिलनाडु के परिवार से थे, इसीलिए वहां पे हमेशा एक तरह की संघिशा बनी रहती थी कि वहां पे हमेशा एक जातिवाद को लेके एक नारेबाजी, एक अडंबर सा रहा ही है। वह हमेशा अडंबर में रहे हैं। उन्होंने ना केवल कई तरह के आंदोलन करे बल्कि उनसे लोगों को नियाद भी दिलाई है। वह कई आंदोलनों में लीडर के रूप में भी शामिल हुए हैं, जिनके लिए उनके परिवार वालों ने और उनके भाइयों ने कई जगहों पे उनका साथ दिया है। इतनी फेमस होने के बाद क्या आपको लगता नहीं है कि वो कुछ खास ही होंगे? उन्होंने कई जगहों पे सवाल भी करे थे भगवान को लेकर, जिसे लेकर लोगों ने उनको कई जगहों पे टोक भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भगवान तू हमेशा भूखा रहता है क्या जो हमसे खाना मांगता है? क्योंकि जब हम भूखे होते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे भगवान कभी भूखा नहीं सुलाता, वो हमें जरूर देगा। जब तुम हमसे लेकर हमें दे रहे हो तो उसका फायदा क्या? भगवान, क्या तुम्हें हमेशा पैसों की कमी रहती है जो तुम हमसे पैसे मांगते रहते हो? तुम खुद इतने धनी हो तो हमसे पैसे क्यों मांगते हो? हमें जब भी परेशानी होती है तो हम तेरे पास आते हैं, लेकिन तेरी दान पेटी में अगर कुछ ना डले तो तू हमारी मनोकामना सुनता ही नहीं है। क्या तू भी इन खोखले राजनेताओं की तरह घूस लेने लग गया है? उनकी इसी तरह की कुछ बातों ने लोगों के दिमाग खोले और कुछ लोगों को ये बातें रास भी नहीं आई कि भगवान से पंगा लेने वाले लोग तो बहुत देखे हैं, लेकिन भगवान पे इल्जाम लगाने वाले लोग मैंने पहली बार देखे। पेरियार ने हमेशा से एक बात का निश्चय कर लिया है कि जहाँ पे कोई तर्क वितर्क नहीं है मैं उस राह पे नहीं चलता। बचपन में ही उन्होंने ये बात अपने माता पिता के सामने रख दी थी कि वह आम बालक से अलग है, क्योंकि वह हर बात की तर्क वितर्क और धाराओं को समझते थे और उनके पीछे के छुपे राज को, बातों को समझना जानते थे। उन्होंने कई जगहों पर अपने पिता से इसी चक्कर में मार भी खाई है। वह आम बच्चों की तरह नहीं थे कि उन्हें जो भी सिखाया जाए उन्होंने वो रट लिया अपने दिमाग में और वही बातें दूसरों को बता दी। वह हमेशा एक बात में लॉजिक निकालते थे, तो जो उनके कामयाबी का और जो उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार बनी। उन्होंने ना केवल समाज के लिए बल्कि हिंदू धर्म में कई तरह की ऐसी अडंबराओं को गलत साबित करा है। उन्होंने कई तरह के ऐसे आंदोलन और कई सती प्रथाओं जैसी रीतियों को, कुरीतियों का पुरजोर विरोध भी किया है, साथ ही इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन भी बनाए हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जब जो इंसान हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए जो इतने बड़े काम करके गए हैं, उनकी मूर्तियों को इस तरह बेइज्जत करके निकालना कहां तक ठीक है? उन्होंने जो बातें कही हैं, शायद उन्हीं बातों पे तर्क वितर्क करने के बाद आज हम यहां खड़े हैं। बाबा साहब के भी इन्हीं बातों के कारण, उनके संविधान के कारण ही आज हम यहां खड़े हैं। अगर उनका संविधान नहीं होता तो शायद आज भी हम उसी तरह से घुट रहे होते जिस तरह से हमारे शायद पूर्वज घुटे होते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।